हे एवरीवन, एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज जो टॉपिक्स के ऊपर की, पहला तो आपका आईसीआर का रिजल्ट कब आएगा, जो कि आप बार बार यही पूछ रहे हो भैया आईसीआर का रिजल्ट कब आएगा। देन दूसरा कि कैटेगरी रैंक और ऑल इंडिया रैंक में आपका सीट अलॉटमेंट में कौन सा रैंक काम आएगा, कैटेगरी रैंक किस जगह पर काम आएगा और ऑल इंडिया रैंक किस जगह पर काम आएगा। देन उसके बाद में आपको एक और क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो, भैया मैं पीसीबी से हूँ, एबीसी से या पीसीएमबी से, तो मेरा लाइक कौन सा इसका इंडिविजुअल स्कोर आएगा या इनको सबको मिक्स करके आएगा। उसके बाद में क्या रिजर्वेशन पॉलिसी है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, एक भी जो स्टेट यूनिवर्सिटी में सीट्स ही नहीं है तो उनको कैसे सीट्स मिलेगा। देन उसके बाद में कॉलेज लेवल काउंसलिंग कब होगा, 50% से जिनका कम है या 50% है तो उनको कैसे कॉलेज अलॉट होगा, तो ये सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जिससे कि आने वाली आगे और वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिले। और भी अच्छी अच्छी वीडियो जैसे कैसे काउंसलिंग करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कैसे चॉइस फिलिंग करना है, ये सब आपको पता लग सके। और क्या किस कोर्स में कितना स्कोप है और क्या है उनका कोर्स का भी आपको वीडियोज अपलोड किया जाएगा कोर्स वाइज, सो उनके लिए आप चैनल पर बने रहें सबसे पहले। और हाँ, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन करो, यहाँ पर जो भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ उनका पीडीएफ, कोई भी जो भी काउंसलिंग ब्राउचर या कुछ भी जो भी अपडेट आता है तो उसको बता दिया जाता है। सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब देखिए ऑफिशियल जो इसका रिजल्ट है और रैंक है, मैंने आपको बोला था कि 21 डेज के बाद, तो आप अभी वेट कीजिए, आप बार बार ये ना पूछें कि रिजल्ट कब आएगा, आप 21 अक्टूबर के बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि इतना ही टाइम है, क्योंकि उसको सेशन भी स्टार्ट करना है। सो उसके बाद में जैसे ही आपको फाइनल रैंक लिस्ट आता है तो एक या दो दिन के बाद में आपका आईसीआर का रजिस्ट्रेशन देन चॉइस फिलिंग और प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपको देखिए किस रैंक से आपका सीट अलॉटमेंट होगा। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, जैसा कि आपको आइडिया होगा आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैविंग एग्रीकल्चर फैकल्टी, तो ये तीन टाइप से हैं आपके में। तो आपको एक चीज़ समझना है कि आपका जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, तो आपने उसमें, मैंने कल आपको वीडियो डाला था तो उसमें आपने देखा था कि मैंने पर्टिकुलर ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस एससी एसटी तो पर्टिकुलर सीट्स का उसमें डिवीजन था, तो उसमें था क्या कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए अलग सीट, जनरल तो अनरिजर्व इस पर किसी का हक नहीं है, मीन्स उसको उस सीट्स को कोई भी ले सकता है, बट एससी और एसटी कैटेगरी का सीट्स पहले से फिक्स रहता है क्योंकि जो एससी कैटेगरी वाले हैं उनका आपका रिजर्वेशन है 7.5% और जो एससी कैटेगरी वाले हैं उनका 15% रिजर्वेशन है, तो इसकी वजह से उनका सीट पहले से फिक्स रहता है। अब देखिए कैटेगरी रैंक कब काम आएगा और ऑल इंडिया रैंक कब काम आएगा। कैटेगरी रैंक जैसे कि माना कि दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ए और एक स्टूडेंट एफ बी, एक यूनिवर्सिटी हम मान लेते हैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जूनागढ़ यूनिवर्सिटी, तो उसमें दोनों पर्टिकुलर स्टूडेंट एक एससी कैटेगरी से हैं, देखिए कि दोनों जूनागढ़ यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो भाई माना कि एक ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी ने एससी कैटेगरी मान लीजिए, माना जो बंदा ए था एससी कैटेगरी में, हमने माना कि उसका रैंक था 15,000 के समथिंग रैंक था, दूसरा जो दूसरा बंदा था उसका था लाइक 25,000 के समथिंग रैंक था, दोनों ने उसी में अप्लाई किया। अप्लाई करने का मतलब कि जो अपना चॉइस फिलिंग वाला, दोनों ने अपने चॉइस फिलिंग में जूनागढ़ यूनिवर्सिटी को रखा, तो आपने क्या देखा कि उस यूनिवर्सिटी को रखा था, एक का 15,000 समथिंग और एक का लगभग 20,000 से ऊपर रैंक। तो अगर वो दोनों बंदे उसमें उसके लिए पार्टिसिपेट करेंगे किसके लिए, सबसे पहले जो सीट्स एससी कैटेगरी के लिए उनके लिए, जब उसमें एससी कैटेगरी तो उन दोनों में से किसको, 16,000 वाला उसको मिल जाएगा एससी कैटेगरी का। देन उसके बाद में जो वो सीट्स फिल हो जाता है उसके बाद वो आते हैं अनरिजर्व सीट्स के ऊपर, क्योंकि अनरिजर्व सीट्स के ऊपर किसी का कब्जा नहीं होता है, उनको जनरल वाला भी ओबीसी वाला एससी वाला एसटी वाला कोई भी ले सकता है। तो आपको समझ आया होगा कि कैटेगरी रैंक कब काम आता है। तो ऐसे ओबीसी का अगर कहीं भी बाई चांस एक सीट हुआ किसी भी यूनिवर्सिटी में या ईडब्ल्यूएस का, वैसे तो है नहीं, मैंने देखा था आपने 000 जो सीट्स कहाँ है, ओबीसी का जो रिजर्वेशन है जो सीट्स है वो आपका है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। आपने देखा कल मैंने आपको बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल और झांसी, उनमें देखा सीट्स, अच्छा खासा सीट्स था ओबीसी का। तो और जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें 100% सीट्स आईसीआर के थ्रू ही फिल होता है, बट जो कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती है उनमें जो 100% सीट्स आईसीआर के थ्रू फिल नहीं होता है, उनमें आई तो 15%, लेकिन अभी शायद 25% कर दिया है कि वो आईसीआर के थ्रू फिल होगा। और दूसरा, अब अगर आपका कैटेगरी रैंक आपका कोई रिजर्वेशन जब उसमें वर्क नहीं करता, रिजर्वेशन वाला सीट फुल हो जाता तो उसके बाद में काम आता है आपका ऑल इंडिया रैंक,
और मोस्टली ऑल इंडिया रैंक से आपका कॉलेज अलॉट होता है। देन उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन था भैया मेरा पी सी बी पी सी बी और पी सी एम है, तो मेरा क्या सेपरेट इसका अलग से लिस्ट निकलेगा कि पी सी बी में कितना स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था उसके बेसिस पे आपका रैंकिंग? नहीं भाई, आपका नॉर्मलाइजेशन होकर टोटल परसेंटाइल स्कोर आ चुका है, अब आपका मैटर नहीं करता, अब बस एक चीज़ मैटर करता है, अगर आपका कोर्स अलग जैसे आपका ए बी सी है या पी सी बी है पी सी एम है तो ये मैटर करता है कि आप किन कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हो। अगर आपका ए बी सी है, अगर आपका एग्रीकल्चर आ गया तो आप बस चार कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। कौन कौन सा? आपका एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज, ये चार कोर्सेज के लिए। बट अगर आप पी सी बी से हो तो आप इसमें एड ऑन कर सकते हो लाइक कम्युनिटी साइंस, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी भी आप ले सकते हो। देन जो मैथ वाला बंदा होगा उसके लिए तो बीटेक के जो भी कोर्सेज हैं, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी और उसके बाद में आपका जो भी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, इनको ले लेगा। तो यही इसमें डिफरेंस है, कुछ और भी नहीं आएगा, नॉर्मलाइज होकर आपको ऑलरेडी परसेंटाइल आया हुआ है। अब हाँ, जिसका आपको इंतजार था और आप ये वीडियो देख रहे होंगे, 50% आपका 50% है तो इस पर आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं, भाई चांसेस हैं। अगर कोई बंदा एस टी कैटेगरी से है और वो अच्छे से चॉइस फिलिंग करता है, अच्छे से कॉलेजेस को फिल करता है, एस सी और एस टी का दोनों ही मान सकते हो, तो उसको कोई ना कोई, और वो बंदा होना चाहिए आपका पी सी एम या पी सी बी का, पी सी एम कैटेगरी और पी सी बी का बंदा है एस सी और एस टी का, तो भाई उसको कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा आप थर्ड राउंड तक, नहीं तो आपको मॉपअप राउंड में ज़रूर कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि आपका पर्टिकुलर रिजर्वेशन रहता है। और मैंने देखा बहुत कोर्सेज में लास्ट टू ईयर्स में देखता आ रहा हूँ, तो आई सी आर के जो मॉपअप राउंड कम्प्लीट होता है तब तक सीट्स भी बचा हुआ रहता है, तो अगर एस सी वाले के पास चांस होते हैं वो अच्छे से चॉइस फिलिंग करें जिससे उसको सीट्स मिल जाए। देन अगर आपको सीट्स नहीं मिल जाए तो मैं आपको एक और इसका बता रहा हूँ, जैसा कि लिखा हुआ है आपको स्पोर्ट काउंसलिंग, अभी आपको बताऊंगा कि स्पोर्ट्स काउंसलिंग होता कब है, बट स्पोर्ट काउंसलिंग जैसे कि आपको कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे कि आपका जो इम्फाल वाला यूनिवर्सिटी है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, और खुद जो मेरा यूनिवर्सिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये स्पोर्ट काउंसलिंग कराते हैं। मैं आपको लास्ट ईयर का बताता हूँ, 60 के तक 16,000 रैंक तक आपको बी एस सी एग्रीकल्चर मिला है और 49,000 रैंक पर आपको बी एस सी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, मीन्स आपको बहुत हाई रैंक तक भी इसमें सीट मिल जाता है। बट उसका एक मतलब ट्रिक या हैक है जो आपको जानना पड़ेगा, ये है कि अगर आप इन स्पोर्ट काउंसलिंग में, अगर पूसा वाली में आप अप्लाई कर रहे हो तो आप अपना जनरल कैटेगरी रखें, क्योंकि इसमें होता है क्या कि जनरल कैटेगरी का अगर वो सीट है तो उसको जनरल वाला ही लेगा। आपको सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट ये रियलिटी है। मैं पहले भी एक फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो मैं भी कुछ शॉक था यार, ऐसे कैसे, बट ऐसा ही अलॉट हुआ है, क्योंकि जो ओ बी सी कैटेगरी में जिसका रैंक 14,000 था उसको कुछ नहीं मिला, और उसका जनरल कैटेगरी में जिसका रैंक 45 के तक है उसको कोई ना कोई सीट मिल गया, तो इसलिए अपना उसमें जनरल कैटेगरी पुट करें। वैसे मैं आपको जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो आपको डिटेल में बता दूंगा। और एक और एडवाइस आपके लिए कि जो भी आपको आपका कम मार्क्स है तो भाई वो अपना टाइम वेस्ट अभी ना करें, वो काउंसलिंग के पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करें, वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अगर बाद में मिलता है तो एक्सेप्ट करना, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप लाइक फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि आप बोलोगे भैया मैंने अपना टाइम वेस्ट काउंसलिंग में कर दिया तो कैसे प्रिपरेशन करो, तो अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और ज़्यादा आप वीडियोस के पीछे मत भागो कि यार मेरा होगा या नहीं होगा, आपको एक बार अगर मेरे को आपने टेक्स्ट किया होगा तो मैं आपको क्लियर कट बताया होगा आपका होगा या नहीं, और आपको एडवाइस भी दिया होगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलो जस्ट तेजी से आपको इसको बताता हूँ, सबसे पहला इस फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, देन आपका मॉपअप राउंड होगा, उसके बाद में आपका स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग होता है, जो भी फोर राउंड में सीट बच जाता है तब। और हाँ, एंड लास्ट, अगर आपको चॉइस फिलिंग करने में दिक्कत होता है, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, तब आप हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका प्राइस है 499 रुपीज़, जिसमें आपका कंप्लीट काउंसलिंग करके मेरे द्वारा दे दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपने कंप्लीट काउंसलिंग हुआ तो उसके बाद आपको कुछ भी ना तो ई मित्र के पास जाने का जरूरत पड़ेगा ना कहीं और जाने का जरूरत पड़ेगा। कॉन्टैक्ट करने के लिए आपके पास यह नंबर डिस्प्ले पे दिए हुए हैं और यहाँ भी नंबर दिए हुए हैं। और हाँ, टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। सो इस वीडियो में इतना ही। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने आपको मोस्टली डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एट।